गाइस, आज का व्लॉग मैं शुरू कर रहा हूँ और मैं जा रहा हूँ सबसे पहले अपनी गाड़ी की सर्विसिंग कराने, क्योंकि जैसा कि रीमा ने आपको बताया कि हम लोग जा रहे हैं वेकेशन पे, तो वेकेशन पे जाने से पहले गाड़ी की सर्विसिंग कराना तो बनता है, राइट। और लॉकडाउन के बाद वैसे भी मैंने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं कराई है, तो मैं जा रहा हूँ गाड़ी की सर्विसिंग कराने और रीमा घर के कामों में बिजी है, आपको दिखाई नहीं देंगे अभी। गाइस, चलते हैं अब सर्विसिंग की ओर। और आज भी छुट्टी मार ली है हाउस हेल्पर ने, तो ये सारे के सारे बर्तन क्लीन करे जाएं फटाफट से। और मैं ये करने वाली हूँ अपना कुछ ना कुछ वॉच करते हुए, क्योंकि मुझे वैसे बाय द वे हेलो आप लोगों को, और कुछ ना कुछ अपना इंटरेस्टिंग चलाऊंगी तभी ये बर्तन वॉश हो पाएंगे। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बनाऊं आज लंच में, तो फिर मेरे पास पड़ी हुई थी गोभी। ये गोभी काफ़ी बड़ी थी तो मैंने आधी गोभी कट कर ली है, और इसके साथ अब मैं थोड़ी सी मटर और थोड़े से आलू डाल दूंगी। तो ये हैं नए वाले आलू। ये नए वाले आलू में इतनी मिट्टी क्यों लगी हुई होती है? वैसे मैं आलू जो है हमेशा क्लीन करके रखती हूँ यहाँ पर, लेकिन इस बार ये प्रशांत ने रखे हैं तो ऐसे ही रख दिए मिट्टी वाले। नीचे एक कपड़ा लगा लिया जिससे कि मिट्टी ना झड़े। तब इसे धो लेते हैं और एक आलू काफ़ी रहेगा। जस्ट अभी 5 बजे हैं और घर में अंधेरा हो रहा है, और आज सुबह से ऐसे ही अंधेरा हो रहा है घर में। सुबह से सूरज मैंने देखा नहीं है, सूरज जो जरा सा भी बाहर निकला हो, बिल्कुल भी नहीं। उनको टाइम मिला है मुझे कपड़े वॉश करने का, तो यहाँ पर सारे वूलन कपड़े हैं जिन्हें मुझे धोना है, तो इजी में धो लेती हूँ उन्हें। Suddenly there you were with those bright blue eyes. We were conversing under the night sky. When you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. आज बस मैंने सुबह से बर्तन ही साफ करे, खाना बनाने से पहले बर्तन साफ किए, खाना खाने के बाद बर्तन साफ किए। चलिए अब चाय बनाते हैं गर्मा गर्म, और अदरक नहीं है सबसे बड़ी बात। Talked about everything that was on our mind. Talking to you gave me butterflies. Then you took my hand, said, let's leave now. Don't wanna be shy. चाय आ गई। ओके, क्रिसमस गिफ्ट मिले, खुश हो जाओ। चलो मेरा ही व्लॉग देखा जा रहा है, हमारा ही व्लॉग देखो, सबको ये क्रिसमस गिफ्ट मिलने वाला है यहाँ पे। तो ये हम लेके आए सबसे बड़ा बैग, बड़ी लाइब्रेरी है जिसमें सबसे बड़ा। इतना अंधेरा हो रहा है आज बहुत ज्यादा। इतने मन से इन्होंने ये तकिए ले तो लिए, लेकिन इसके ऊपर ये वाले कवर फिक्स नहीं हो रहे हैं, और अब मुझे लग रहा है कि इसके लिए मुझे नए कवर ऑर्डर करने पड़ेंगे, या तो अमेज़न से या फिर जहाँ से मैंने ये
पिलो लिए थे वहीं से ही पिलो कवर मिल जाएंगे। वैसे है बहुत कंफर्टेबल, रात में हम लोग इसी पर सोए थे, अच्छा वाला नींद आया था, बहुत अच्छी वाली नींद आई थी। फिलहाल मैं कुछ कपड़े निकाल रही हूँ क्योंकि हमें जाना है वैकेशन पर, तो ज्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, तो मैं सोच रही हूँ कि थोड़ी बहुत पैकिंग आज कर लेती हूँ, जो बची कुछ पैकिंग रहेगी वो मैं फिर कल कर लूंगी। तो बस अब यही सोचना है कि क्या कपड़े रखने हैं मुझे। और सर्दियां हैं ऑफकोर्स, एक्चुअली हम ठंडी से और ठंडियों में जा रहे हैं, यहाँ पर तो मतलब ठंडी है ही, आपको पता ही है दिल्ली एनसीआर में कितनी ठंड पड़ रही है इस टाइम, मतलब उंगलियां आपकी जम जाए ऐसी ठंड है आजकल यहाँ पर। 2 दिन से तो सूरज दिखाई भी नहीं दिया है, तो आप समझ सकते हो। तो अब हम जा रहे हैं और ठंडियों में जहाँ पर स्नोफॉल के भी चांसेस हैं, क्योंकि दिसंबर एंड में हर जगह ऑलमोस्ट स्नोफॉल हो जाती है, तो बस उसी के अकॉर्डिंग मुझे कुछ कपड़े रखने होंगे। कुछ ना ऐसी चीजें रखना चाह रही हूँ जो जेन्युइनली मेरे को काम में आए। सबसे पहले तो मैं थर्मल रखूंगी अपने कशिश के और प्रशांत के, क्योंकि आप कुछ भी पहनो और नीचे अगर थर्मल पहन रखा है तो ठंड नहीं पकड़ती है आराम से ना, फिर आप कुछ भी पहन सकते हो, कितना भी स्टाइल कर सकते हो। तो यहाँ पर मैंने ना इस टाइप के थर्मल ले रखे हैं। तो इन थर्मल की खास बात ये होती है कि इनकी जो नेक होती है वो काफी डीप होती है, तो आप स्टाइलिश जो टी शर्ट्स है या टॉप है उन्हें भी वियर कर सकते हो, और इनकी जो स्लीव्स होती है वो ऊंची होती है, यहाँ तक ही आती है, तो आप कुछ भी आराम से पहन सकते हो। तो ये लास्ट ईयर मैंने लिया था क्रिसमस के टाइम पर, ये रेड कलर का स्वेटर ड्रेस, कल मैं आप लोगों को बता भी रही थी कि ये कोट मेरे को ले जाने का मन कर रहा है, क्योंकि ये काफी वार्म है और बड़ा भी काफी है, तो इसके नीचे कोई भी ड्रेस पहन के देन ये कोट पहन सकती हूँ और इसमें ठंड भी नहीं लगती। बाकी मेरी सबसे प्यारी जैकेट जो मेरी बहुत ज्यादा फेवरेट है, ये भी अगेन ब्लैक है, और ये जो जैकेट है कुछ इस तरीके से लगती है, और ये प्योर लेदर की है, ये फॉल लेदर नहीं है, ये प्योर लेदर है, विल्सन लेदर के स्टोर से खरीदी थी। तो रीमा ये क्या हो रहा है? जब भी कहीं जाना होता समझ में क्यों नहीं आता कि क्या रखूं और क्या। सबसे बड़ी एक जो प्रॉब्लम जो है रीमा के संग, जब भी रीमा को कहीं जाना होता है, सारी लेडीज के संग जब रीमा को कहीं जाना होता है तो हमेशा की बात है उसके ना होंठ पे ये निकल आता है, देखो अब फिर से निकल आया, तो मैं होंठ पे नहीं तो चेहरे पे, अब पूरा चेहरा साफ हो गया, नीट एंड क्लीन हो गया। आई वॉज वेरी हैप्पी यस्टरडे एंड देन व्हाट हैपेंड, इसलिए होता होगा लोग नजर ना लगा पाए, तो मैंने क्या करूं मैं, मर जाऊं? नहीं नहीं, मेरी फीलिंग फीलिंग मैंने तुम्हारे दुश्मन कुत्ता कुत्ता तोड़ा कुत्ता टॉमी। ये बताइएगा आप में से कितने सारे लोग जो है ना रील्स और टिकटॉक से मतलब पोसेस थे, मतलब इतने ज्यादा कि उसके बिना रह नहीं पाते। मैं तो देखता था यार लोगों को, जैसे कनॉट प्लेस वगैरह गए वहां पे लोग जो है ना जो कोने होते थे वहां पे लोग पकड़ पकड़ के वहां पे वो बन रही है टिकटॉक रील्स टिकटॉक बन रही है, तब तो टिकटॉक हुआ करती थी, अब रील्स बन रही है। तो कितने लोग इतने ज्यादा पोसेस्ड है कि बहुत ही ज्यादा फैसिनेटिंग लगता है उसको देखना। वैसे है तो ये बात, इन सब में ये स्क्रॉल वाले होते हैं ना और छोटी छोटी वीडियोस होती हैं, तो उसमें क्या होता है ना जल्दी जल्दी देखो और ऊपर निकल लो, और कभी कभी बड़े फनी कंटेंट भी मिल जाता है, तो अच्छा है। ये वाले जो मास्क है ना ये मुझे दीदी ने लाकर दिए थे मैचिंग के, क्योंकि मेरे पास इस कलर की साड़ियां है ना, जब मैं रामपुर शादी में जा रही थी तो उसने मेरी साड़ी के मैचिंग के 2-3 मास्क ला के दिए थे और सॉक्स भी लाकर दिए थे। और मेरे मफलर नहीं दिखा रही आप किसी को, ये क्या पहना है? तूने प्रिंसेस लिया की तरीके से ये 2 ईयर पहने, ये मेरे मफलर है। प्रिंसेस लिया आप जानते हैं ना स्टार वार्स की मेन कैरेक्टर थी, तो इसने ये देखिए प्रिंसेस लिया। इसके बाद तुझे कुछ सुनाई देगा? वैसे भी कहाँ सुनाई देता है, मैं कैसे बात सुनाई देता हूँ? ऐसा कुछ नहीं है, मुझे ये भी सुनाई दे क्या? चलो एक बार बताऊंगी, मैं कितने दिन से यहाँ पे क्या कर रही है, 2-3 दिन से ये तुम्हारे खाने के लिए रखी है मैंने, मतलब ठीक है, मतलब मैं खा सकता हूँ, खा सकता हूँ तुम्हें मालूम है, मैं खाता हूँ। अरे इन मिर्च के सबके डंठल निकाल कर मुझे इसमें फिक्स करने, लेकिन मुझे टाइम ही नहीं मिला। तभी मैं कहूँ मुझे मिर्च बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन फिर भी चुप चुप के एक एक डाल देती हूँ, जैसे कि मतलब मालूम ही नहीं पड़ेगा। तू मिर्च खाने वाली है? नहीं, मैं एक्चुअली मिर्च तभी खाऊंगी जब आप इस वीदियो को 5000 लाइक्स तक पहुंचा दोगे। अगर आपने इस वीडियो पे 5000 लाइक्स किए तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मिर्च खाऊंगी। ओके दोस्तों, तो आज हम लोग जा रहे हैं अपनी दीदी के घर। मौसी आप हमेशा इतना अच्छा खाना कैसे बना लेते हैं? बनाया अच्छा खाना अपनी, मतलब मेरी तुम्हारी दीदी होगी, मेरी साली है बड़ी।
नहीं कुर्ता पजामा काला 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 मुझे लग रहा है मैं आज दीदी के घर तो पहुंच नहीं पाऊंगी क्योंकि मुझे एक जन्म हो गया है इसी रोड पे घूमते हुए क्योंकि आज इतना ट्रैफिक है कि गाड़ी बस खिसक खिसक के चल रही है। ये सबसे बेस्ट है। यूट्यूब कैसे कैसे इसको यूज कर सकते हैं 6-7 तरीके से। इसका नाम क्या है बाय द वे? ये नॉर्मल नेक वार्मर है डेकाथलॉन में। अच्छा नेक वार्मर। ऐसे बन जाएगी यार। तीन तेल ने क्या बनाया? क्या बनाया? वो इतनी जल्दी जल्दी क्या उन्हें बता भी नहीं था हम आ रहे हैं तब भी उन्होंने देख फटाफट से तेरे लिए कितनी अच्छी डिश बनाई है। क्या देख जाके खोल क्या है ये? चिली ब्रोकली। यस वाओ बहुत टेस्टी लग रही है। और इसको रोटेट करो ठीक है अब से करके क्या बन गई है? मुझे मांस छोला सा मांस बनाया ना देखो। वाओ मांस घर ही मांस एक ये मफलर है जिससे आप इतनी सारी चीजें बना सकते हो। डीकैथलॉन पर मिल जाएगा गाइस आप लोगों को चाहिए हो तो डीकैथलॉन पर जाकर चेक कर सकते हैं। थैंक्स फॉर मॉडल। देखिए मास्क देखा मास्क की भैया क्या हो रहा है? हम लोग खाना लगाने वाले हैं। बथुए का रायता। बथुए का रायता फिर से मतलब मम्मी ने भी खिलाया था ना। मम्मी ने कहा इतना पसंद आया है कि ये रोज मुझसे बथुए का रायता मांगती है। नाना जी नमस्ते। तो ये किस चीज की रोटी बनाई है बहन? ये सूजी बेसन और वो आटा। अच्छा बहुत टेस्टी लगती है ये। पानी के हाथ की रोटी कहलाती है लेकिन लगाते लोग घी है। पानी भी लगाते हैं हाथ से बनाते लोग। हाँ। मैं तो घी लगा के बना रही हूँ। बहुत अच्छी लगती है खाने में गरम गरम। हाँ गरम गरम सर्दियों में अच्छी लगती है बहुत। घी लगा लो। और हम लोग दीदी के घर से निकल चुके हैं। सड़कें बिल्कुल सुनसान हो चुकी हैं। केवल ट्रक वाले और जो बड़े वाले व्हीकल्स नहीं होते हैं बस वही चल रहे हैं इस टाइम। पूरी सड़कें खाली हैं। दीदी के घर जाने से पहले मैं कुछ कपड़े निकाल कर गई थी तो ये सारे कपड़े मैंने निकाले थे लेकिन मैंने फिक्स नहीं कर पाई और अब हो गई है काफ़ी रात। अब सबको सोना भी है तो ये कपड़े मैं थर्ड रूम में रखने वाली हूँ। बाद में कलवल लगाऊंगी अटैची। अभी बिल्कुल दिल नहीं कर रहा है। रात काफ़ी हो चुकी है 12:15 बज रहे हैं और इन्हें लगाने चलूंगी तो फिर एक के बाद एक चीज़ें मुझे याद आती चली जाएंगी तो इसे मैं अभी थर्ड रूम में बेड पर रख कर आती हूँ। कल सुबह देखूंगी। ओके तो यहाँ से मैंने ये वाली मुल्तानी मिट्टी ले ली है। थोड़ा सा गुलाब जल। ये जो लिप्स पे मेरे इन्फेक्शन हो जाता है ना बार बार पे पता नहीं आप लोगों को कितनी लाइट मिल रही है। एलेक्सा बल्ब का कलर वाइट कर दो। ओके तो ये जो मेरे लिप्स पे इन्फेक्शन हो जाता है ना ये बार बार ये मुझे अब से नहीं है मेरे बचपन से है ये प्रॉब्लम। पेट वगैरह खराब हो जाए या फिर किसी का झूठा पानी पी लिया आपने उससे भी मुझे हो जाती है दिक्कत। कुछ ही स्टेप में मेरा स्किन केयर कंप्लीट हो जाता है और मैं स्किन केयर करना बिल्कुल नहीं भूलती हूँ। और आजकल मैं जो यूज़ कर रही हूँ वो है वाओ स्किन साइंस का ब्लेमिश केयर सेरम। और ब्लेमिश केयर सेरम मैं इसलिए यूज़ कर रही हूँ क्योंकि कुछ दिन पहले मेरे आपने देखा होगा चेहरे पर पिंपल्स आ गए थे या एक्ने बोल सकते हो एक्ने हो गए थे। तो एक्ने के जो मार्क्स रहते हैं ना वो रह जाते हैं। एक्ने तो चले जाते हैं जैसे कि मेरा इस टाइम चेहरा पूरा क्लीन हो चुका है कोई भी एक्ने नहीं है फेस पे लेकिन थोड़े बहुत उसके ब्लेमिशेस और मार्क्स रह गए हैं तो उसको फेड आउट करने में हेल्प करता है
तब मैं यही सीरम यूज कर रही हूँ नाइट में। आजकल काफी हद तक फेड आउट हो भी गया। एक जो यहाँ पर निकला था ना वो मैंने छेड़ लिया था तो काफी डार्क हो गया था स्पॉट, तो अभी काफी हद तक फेड आउट हो गया है वो। अगर आपको ब्लेमिश की प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी फिर वाओ का ना विटामिन सी वाला सीरम यूज करें, वो भी बहुत अच्छा है। वैसे ये ऑयल फ्री है तो ये एक्ने प्रोन स्किन के लिए बेहतर है। अभी मैं ये मुल्तानी मिट्टी का बनाया हुआ जो लेप है ये भी लगा लेती हूँ, थोड़ा सा यहाँ पर, खास तौर से इसी जगह लगाऊंगी, थोड़ा ठंडक पहुंचेगी इसको। तो यहाँ पर मेरा स्किन केयर कंप्लीट होता है और मैं मिलूंगी कल आपको एक अच्छे से ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड लॉट्स ऑफ लव, लव यू गाइज एंड गुड नाइट, बाय बाय।